पहले ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके शराब माफिया पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पा रहा है और आए दिन शराब तस्करी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र के मतुलपुर गांव का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने आंगनबाड़ी केंद्र में छापेमारी कर 62 पेटियां शराब बरामद किया है। मतलबपुर आंगनबाड़ी केंद्र से शराब बेची जा रही है। इस पर अभिनव कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम तैयार की गई, वहां के लिए प्रस्थान किया गया। 12 बजे वहां जांच किया गया। वहां एक बंदे तखाना के अंदर से 62 पेटी शराब जो है बरामद किया गया। आंगनबाड़ी संचालिका की आंगनबाड़ी संचालिका की मिली भगत है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में तहखाना के निर्माण का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये जांच के अंतर्गत। आंगनबाड़ी में एक तहखाना बनाकर इसमें शराब की बोतलें छिपाई गई थी। छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने कुल 551 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। इसके बाद से आंगनबाड़ी संचालिका गांव छोड़कर फरार हो गई है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार संचालिका की तलाश शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आंगनबाड़ी संचालिका की मिलीभगत से यह शराब का कारोबार चल रहा था, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में तहखाना बनाने की जरूरत आखिर क्यों ही होगी, इसी से आप समझ सकते हैं। इसीलिए उत्पाद विभाग की टीम संचालिका के खिलाफ केस दर्ज करेगी।